मित्र, आई एम चेतना गुप्ता। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल इज वेल विद यू गाइस। अभी नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में माता रानी के दर्शन करने जरूरी होते हैं, भगवान जी का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ जा रही हूँ छतरपुर के फेमस मंदिर, जो कि दिल्ली का बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। और नवरात्रि में वो मंदिर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डेकोरेट होता है। वो मंदिर पहले ही इतना बड़ा है कि एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो गाइस मैं आपको दोनों तरफ के दर्शन दिखाऊंगी भगवान जी के। और चलो गाइस चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। गाइस हम मंदिर जा रहे हैं और मंदिर जाने के लिए रेडी हो रहा है और अब देखते हैं कितना आतंक मचता है तैयार होने में। अभी 2 मिनट बचे हैं। 2 मिनट मम्मी दवाई ले लेना। दवाई अच्छी खासी की ला, पहले मुझे दे दवाई ला। सारी दवाई पी लेंगे, कितनी सी दे रही है मुझे? जो दवाई पीते हो ठीक हो जाती, पानी के पी पीने ला बाबू दियो। पीनी है मैंने, पी लियो कि हर सुबह से शाम 20 दफा कहने के बाद तुम्हारा खसर तुम खुद होनी चाहिए। लगे तो टाइम से दवाई ले लिया कर। मम्मी कह रहे हैं दवाई ले लिया कर टाइम से, समझ गई? अब मुझे भी दे दिया कर अगर मैं भूल जाऊँ तो। दादी अम्मा, मैं दादी अम्मा लकी आ तो फटेगी इस वजह से तो होती है लड़ाई। गाइस मैं अपनी 11 नंबर की गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए छतरपुर मंदिर तक जा रही हूँ और ये रहे साथ में लकी प्रिया। गाइस लकी का बर्थडे आने वाला है तो इसे अभी से स्कोप करा जा रहा है। लकी कह रही है मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगी, घर पे रहूंगी पूरा दिन। तो मम्मी कह रही है ट्यूशन तो जरूर जाना है और लकी गुस्सा हो गई है। लकी का पूरा पूरा मुंह बन चुका है। अभी प्रिया से डिस्कस कर रही है कि जाऊं या नहीं जाऊं। मम्मी सही है, जाएंगे भेजोगी तुम इसे? ठीक है छुट्टी मारता है तो कोई भी हो। अरे वो नहीं मारी छुट्टी, भेजना ना तो मुझे सुबह उठा देना और भेजना जाएगी वो। पूरी तैयारी कर लिया मम्मी ने उसे भेजने की। बाबू हम तुम्हारे साथ मजा कर लेंगे, जब तुम ट्यूशन से आ जाओगे तब हम मजा कर लेंगे आपके साथ। तुम जाना ना, क्यों जा क्यों, हम तुम्हें भेज के रहेंगे है ना। और तुम्हारे लिए हम सरप्राइज पार्टी शायद नहीं प्लान करेंगे। हाँ नहीं करेंगे यार, तुम्हारे लिए we
is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. मंदिर में हमने सिर्फ छतरपुर के एक साइड के ही दर्शन करे थे, हम दूसरी तरफ गए ही नहीं, तो इसलिए हम कल को दोबारा आएंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। अब हम अगले दिन चलते हैं छतरपुर मंदिर, जो हमने अभी तक दर्शन नहीं करे थे वहाँ के दर्शन करने के लिए। तो आज मम्मी हमारे साथ नहीं जा रही है, आज बस लक्की और प्रिया और मैं जाएंगे। तो गाइस चलो चलते हैं। Oh,
अलग अलग जो दो अलग मंदिर है ना उसके बीच में रोड के साइड में अंडरग्राउंड एक जगह बन रही है जिससे हम दूसरे तरफ से अंदर की साइड को जाकर अंदर जो सामने वाला मंदिर है उधर आराम से जा सकते हैं। तो गाइस आई नो ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी क्योंकि मुझे भी इतने टाइम यहाँ पर रहते हुए अब ये बात पता चली है जब मैं वहाँ पर गई हूँ। तो अगर आप जब भी नवरात्रि में आए तो वहाँ पर जाइए और उस गुफा का मजा लीजिए। मंदिर बहुत ही ज़्यादा बड़ा और इतना ज़्यादा बड़ा मंदिर है कि आप एक दिन में घूमते घूमते थक जाएंगे वाकई में। अगर आप 7 या 8 बजे आते हैं तो आराम से आपको 10-11 तो बजे जाना है, इसलिए जितना जल्दी हो सके घर से निकलिए और आराम से 4-5 घंटे मंदिर में व्यतीत कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा वहाँ पर। और गाइस अब नवरात्रि चल रही है तो नवरात्रि में वहाँ पर घूमने का अलग ही मज़ा है, माता रानी का दर्शन कीजिए और खूब मजा लीजिए और उनका आशीर्वाद पाइए। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। Thank you for watching this video. Guys, please do like, share and subscribe on my video. See you in the next video.